देख सकते हो कुछ आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? मुझे तो ये थोड़ा ज्यादा येलो लग रहा है और ये थोड़ा ज्यादा व्हाइट लग रहा है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले जोमेटो वाले को ओपन करते हैं, स्विगी को ओपन करते हैं, तो समझ में आएगा। गाइस जोमेटो बेटर है या स्विगी बेटर है? कहाँ आपको कम पैसे पे अच्छा खाना मिलता है, जोमेटो या स्विगी? फिलहाल जो है आसनसोल में यही दो एप्लीकेशन है, जोमेटो और स्विगी, जो सबसे पॉपुलर है और सबसे मतलब ऑनलाइन खाना डिलीवरी में यही दोनों गाइस अभी पॉपुलर है आसनसोल में। सो गाइस आज हम लोग चेक करेंगे कि जोमेटो और स्विगी में से कौन सा बेटर है हम लोगों के लिए, जहां पर आपको कम पैसे में और अच्छा सर्विस मिलता है। कम पैसा मीन्स की गाइस दोनों के कंपेरिजन में कहाँ आपको अच्छा ऑफर मिलता है, और सर्विस मीन्स की गाइस कितने कम टाइम पे वो रेस्टोरेंट का खाना आप तक लेके आता है। क्योंकि हम सबको पता है कि जोमेटो और स्विगी जो है एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है। जो भी हो गाइस, सो मेरे पास यहाँ पर दो स्मार्टफोन है और दोनों स्मार्टफोन में गाइस फ्रेश अकाउंट है, एक में जोमेटो और एक में स्विगी। सो गाइस आज हम एक रेस्टोरेंट से सेम मील ऑर्डर करेंगे, सेम रेस्टोरेंट से सेम मील ऑर्डर करेंगे, और गाइस हम लोग देखेंगे कि कौन सा मील हमें किस एप्लीकेशन में कितना पैसा पे करना पड़ रहा है, और ऑर्डर करने के बाद हम गाइस ये भी चेक करेंगे कि कौन सबसे पहले हम तक मतलब हमारे कस्टमर तक खाना सबसे पहले लेके आता है। उसके बाद गाइस हम लोग खाने का रिव्यू। सो दिस इज योर सुवासिस मलिक एंड यू आर वाचिंग आसनसोल स्टूडियो ब्रदरहुड यूट्यूब चैनल। सो गाइस यहाँ पर मैंने अपने दोनों स्मार्टफोन को रेडी कर लिया है, और एक में मैं जोमेटो ओपन करता हूँ और एक में मैं स्विगी ओपन करता हूँ। तो दोनों के दोनों ही जो है फ्रेश अकाउंट है, इससे हम लोगों को डिसाइड करने में आसानी होगी कि कौन जो है स्टार्टिंग में कितना ऑफर देता है, और बाद में मैं रेगुलर अकाउंट में भी बनाऊंगा। तो फिलहाल एक फ्रेश अकाउंट के साथ हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि दोनों सेम रेस्टोरेंट यहाँ पर चूज करते हैं। सो गाइस पहले मैं यहाँ पर स्विगी पे देख लेता हूँ। ओके, कोलकाता बिरयानी एंड फास्ट फूड सेंटर, ओके इधर से ओपन कर लिया। अब गाइस देखते हैं कि चलो इसको पहले गाइस ओपन करते हैं यहाँ पर कोलकाता बिरयानी फास्ट फूड कॉर्नर। सो यहाँ पर देखते हैं कि सेम रेस्टोरेंट जो है जोमेटो में मे बी गाइस अवेलेबल है कि नहीं। तो जोमेटो में क्या नाम है इसका, कोलकाता बिरयानी फास्ट फूड कॉर्नर। ओके देखता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, सेम नाम होना चाहिए गाइज, मगर मिलता जुलता यहाँ पर बहुत सारा नाम है तो अब कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं एकदम सेम टू सेम जो नेम है वो मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर पहले। ओके ओके मिल गया गाइज, ये देख सकते हो आप दोनों का, दोनों जो रेस्टोरेंट का नेम है वो बिल्कुल ही सेम है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ही मत है ना, कोलकाता बिरयानी एंड फास्ट फूड कॉर्नर, फास्ट फूड कॉर्नर। ओके चलो गाइज, तो यहाँ पर हम लोग चिकन बिरयानी ऑर्डर करते हैं, सिंपल एक चिकन बिरयानी ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर चिकन बिरयानी 100 रुपीज़ है, और जोमेटो में गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर जो जोमेटो में आपको दिखा रहा है 110 रुपीज़, और स्विगी में दिखा रहा है 100 रुपीज़। सो अभी गाइज इतना जल्दी आप डिसाइड मत कीजिए, क्योंकि अभी भी ऑफर कोड मारना बाकी है। सो मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ, और इधर भी मैं एक ऐड कर लेता हूँ, व्यू कार्ड पे चले जाते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके गाइज यहाँ पर आप देखिए एक कमाल का बात आपको जो दिख रहा है, जोमेटो में 110 का बिरयानी 110 ही टोटल में बता रहा है, मगर स्विगी में 110 का साथ 15 रुपये ऐड हो गए और 10 रुपये डिलीवरी चार्जेस ऐड हो गए, और 100 का बिरयानी हो गए 125, और इधर 110 का बिरयानी अभी भी 110 ही है। अभी अब आते हैं गाइज ऑफर कोड पे। सो प्रोमो कोड जो कि जोमेटो का है वो फर्स्ट फाइव मतलब पहला 5 ऑर्डर पे आपको 50% ऑफ मिलता है। सो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि जैसे कि गाइज नया अकाउंट है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मार दिया 55 का, तो इधर हो गया गाइज 55, और इधर भी मैं अप्लाई कूपन कोड मार रहा हूँ, इधर भी 5, ओके इधर भी 50% ऑफ है, तो इधर भी मैंने 50% कर दिया। वाओ, सो गाइज आप देख सकते हो इधर 50% ऑफ करने के बाद मुझे पे करना होगा 75 रुपीज, और इधर हम मुझे पे करना पड़ रहा है सेम रेस्टोरेंट का सेम बिरयानी 55 रुपीज। सो गाइज यहाँ पर मैंने हर तरह की जो डिटेल्स है वो डाल दिया, आप देख सकते हो। सो गाइज यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स जो है डाल दी है, और जो लोकेशन है वो भी मैंने डाल दिया। गाइज यहाँ पर मैं पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन में है गाइज। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि ऑफर कोड होने के बावजूद भी
यहाँ पर जो है सीओडी अवेलेबल है। और गाइज इधर मैं देखता हूँ, इधर मैं प्रोसीड टू पे करता हूँ, इधर में भी सीओडी है या फिर कुछ और ऑप्शन है। ओके, इधर जो है गाइज सीओडी का कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। अमेजोन पे प्रेफर्ड, ओके इधर काफ़ी सारे ऑप्शन है मगर पेमेंट के, ऑनलाइन पेमेंट के, मगर यहाँ पर गाइज ऑफर कोड देने के बाद सीओडी का ऑप्शन नहीं है। ओके, यहाँ पर कैश है गाइज, सॉरी मैं यहाँ पर देखना भूल गया, तो पे विथ कैश, पे ऑर्डर, होल्ड ऑन, ये ऑर्डर जो मैं स्विगी का भी हो गया, और ये नॉट रियली नॉट नाउ इसका भी गाइज हो गया। अभी देखता हूँ कि अब टाइमिंग देख सकते हो 1:52 दोनों के ही टाइम बजे हैं, और अभी कितने देर में ये दोनों यहाँ आता है। और ये जोमेटो का फट से गाइज ऑर्डर जो एक्सेप्टेड हो गया, मगर ये इधर भी ऑर्डर रिसीव्ड है। अभी देखते हैं कि कितने देर में गाइज ये आता है, अभी 1:52 हो रहा है, काउंटर में स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कि कितनी देर में गाइज कौन पहले आता है, जोमेटो या स्विगी, और कितने देर में आता है गाइज देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 35 मिनट्स। ओके, इधर भी जो राइडर है हो गया, सैयद भाई आ रहे हैं इधर, सैयद भाई इज रीचिंग द रेस्टोरेंट टू पिकअप योर ऑर्डर, सही बात है, और इधर अराइविंग 2:32, मगर देखते हैं कि कौन पहले आता है। पहले यहाँ पर जोमेटो पहुँचा है खाना लेके, और बिल्कुल एकदम 26 मिनट के अंदर। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, जोमेटो जो खाना लेके लगभग 26 मिनट के अंदर अंदर पहुँच गया, और स्विगी का अभी भी कोई ठिकाना नहीं है। जोमेटो सबसे कम पैसे में खाना गाइस मुझे मिला यहाँ पर, 65 रुपीज़ में मैंने ऑर्डर प्लेस किया, और ये सबसे पहले भी आया। स्विगी जो है उसे 10 रुपीज़ ज़्यादा लगा, और अभी तक गाइस नहीं पहुँचा, मैं एक बार कॉल करके देखता हूँ। सो गाइज यहाँ पर मैंने स्विगी से भी ऑर्डर कर लिया, तो स्विगी का जो डिलीवरी बॉय है काफ़ी लेट आया, लगभग 30 मिनट्स बाद, और जोमेटो का ऊपर से घर से भी मुझे बाहर निकलना पड़ा, उसका जीपीएस में कुछ प्रॉब्लम था, जो भी हो गाइज आप देख सकते हो, और जोमेटो वाला घर के पास आ गया था। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो, जोमेटो ने भी खाना डिलीवरी कर दिया इधर, और स्विगी ने भी, मगर जोमेटो 26 मिनट के अंदर डिलीवरी किया गाइज, वो भी कम पैसे में, लगभग 65 रुपीज़ में। और वो और एक बात गाइज मैं बोलना चाहूंगा, इनका जीपीएस भी अच्छा है, ये मेरे घर तक पहुंच गए थे, मगर स्विगी 30 मिनट्स के बाद आया, 4 मिनट लेट था, और ऊपर से इसके जीपीएस में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मुझे घर से बाहर जाना पड़ा, और फिर गाइज मैं लेके आया, तो ये गाइज प्रॉब्लम हुई। अभी गाइज मैं इसे खोल के देखता हूँ कि दोनों में कुछ डिफरेंस है या दोनों सेम ही है। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले जोमेटो वाले को ओपन करते हैं, ये एक प्लास्टिक का सिर्फ कैरी बैग है, और इसे जोमेटो के स्टिकर से सील किया गया है, इस तरह का ये पैकेजिंग है गाइज। और ये अंदर में गाइज इसका पैकेट है, और इसमें कुछ सलाद वगैरह है, इसे हम लोग साइड में रखते हैं। और गाइज इधर स्विगी वाला में स्विगी को ओपन करते हैं, स्विगी का भी ठीक सेम तरीके से किया गया है, कैरी बैग के ऊपर से स्विगी का जो स्टिकर है वो रैप किया गया है, तो इसे ओपन करता हूँ, देखते हैं कितना है। अरे यार खुल जा भाई। तो इसमें भी सेम है गाइज, सलाद वगैरह है, और इसमें सेम पैकेट दिख रहा है यूएसए का है। सो गाइज वेट वाइज तो दोनों मुझे सेम ही लग रहे हैं लगभग, और दोनों ही काफी गर्म है। अब गाइज मैं इसे ओपन करता हूँ, अनबॉक्स करता हूँ, इस प्लेट में रखता हूँ, देखता हूँ कि कुछ डिफरेंस है कि नहीं। तो गाइज सबसे पहले जोमेटो को ओपन करते हैं, चारों तरफ से गाइज इसका जो स्टिकर वाला सील है किया गया है, ताकि खाना जो पैक रहे, और खाना बिल्कुल ही गर्म है गाइज, 26 मिनट में अगर आपके घर पे खाना आ जाएगा तो वो गर्म ही रहेगा गाइज। सो जोमेटो का जो गाइज ये बिरयानी है कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको, अब गाइज स्विगी का खोलते हैं यहाँ पर से। तो गाइस ये है वो बिरयानी जो सेम रेस्टोरेंट का है या फिर होटल का है जो भी है, और जो कि मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया, और ये गाइस रेस्टोरेंट का जो भी, और ये गाइस ये बिरयानी मैंने जो है स्विगी से ऑर्डर किया गाइस। तो गाइस अभी मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ, आप दोनों में देख सकते हो कुछ आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? मुझे तो ये थोड़ा ज्यादा येलो लग रहा है, और ये थोड़ा ज्यादा व्हाइट लग रहा है,
सो मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि गाइस इसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं। सबसे पहले तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं इस प्लेट में निकाल लेता हूँ, तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके या द अरोमा ऑफ द बिरयानी इज वेरी गुड। इसका जो खुशबू है वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, बिरयानी की जो खुशबू है। सो गाइस मैं इसे अभी टेस्ट करके देखता हूँ, और बिरयानी जो है जोमेटो का वो उससे भी मैं निकाल लेता हूँ इस प्लेट पे। तो गाइस ये रहा चिकन का पीस है, इसमें भी गाइस इसमें एक लेग पीस दिया गया है। सो गाइस दोनों बिरयानी भी देख के आपको समझ सकते हो कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों सेम ही बिरयानी है, फिर भी मैं एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। जी बिल्कुल। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने बहुत जो एप्लीकेशन है स्विगी एंड जोमेटो से दोनों से ही ऑर्डर किया। जोमेटो मुझे कम प्राइस में 65 रुपीस में 26 मिनट के अंदर खाना ला के देता है और मेरे घर के दरवाजे के सामने। स्विगी मुझे इस बार, मगर स्विगी भी मुझे घर के सामने ला के देता था, मगर पता नहीं इस बार क्या हुआ, उसके फोन पे प्रॉब्लम था राइडर के, पता नहीं जो भी हो गाइस, वो मुझे ट्रेस नहीं कर पाया। मेरे घर के आसपास घूम रहा था, आसपास रास्ते में मैं मुझे घर से निकलना पड़ा खाना रिसीव करने में, और शायद इसी वजह से जो है 30 मिनट लगभग आधा घंटे से आधा 30 या 32 मिनट हो गए थे गाइस। सो मैं यहाँ पर जोमेटो को थम्स अप देना चाहूंगा, क्योंकि जोमेटो मुझे कम प्राइस में कम टाइम में गाइस अच्छा खाना लाके कम प्राइस में कम टाइम पे खाना लाके दिया गाइस, और स्विगी ने थोड़ा लेट कर दिया, मगर प्राइस भी स्विगी में ज़्यादा था गाइस। स्विगी में मुझे 75 रुपीज पे करने पड़े और जोमेटो में मुझे 65 रुपीज। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है, कभी आपने ऐसा ऑफर में कुछ खाना ऑर्डर किया और आपके साथ कुछ गलत खाना आ गया, आपसे सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं एक बार फिर से वो ट्राई करके देखूंगा। अगर ऐसा कुछ गलत हुआ तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा गाइस। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसा वीडियो अगर आपको और भी देखना है गाइस तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको साइड में एक बेल बटन दिखेगा वहां पर जाके प्रेस कर देना गाइस, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बाय। ये दोनों बिरयानी गाइस दोनों का टेस्ट सेम है, क्योंकि मैंने सेम ही रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था, मगर जो डिफरेंस मुझे हमें देखने को मिली वो गाइस प्राइस में और सर्विस में।